सिवनी मालवा से युवा कांग्रेसी साथियों को पुलिस ने उठाया सच्चाई की आवाज दबाने की कोशिश। पुलिस के दम पर शिवराज युवक कांग्रेसियों से डरता है, पुलिस को आगे करता है। शिवराज सिंह होश में आओ शिवराज सिंह, थोड़ा शर्म करो, पुलिस को आगे मत करो। कोतवाली पुलिस ने 3 साथियों समेत मुझे गिरफ्तार कर लिया है। हम सभी युवा कांग्रेस एनएसयूआई सिवनी मालवा आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से मिलकर मूंग खरीदी, बिजली कटौती एवं खराब सड़कों की हालत में सुधार के लिए मिलकर अपना विरोध जताएगी। इसे लेकर शांतिपूर्ण ढंग से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते थे। सरकार और प्रशासन की यह दमनकारी नीति है कि जनहित के मुद्दे पर विपक्ष की आवाज दबा रही है। कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष जी के साथ घर से उठा लिया गया है। मैं विधानसभा महासचिव अखिलेश पांडे पुलिस के इस काम की बहुत निंदा करता हूँ। आज की आवाज न्यूज होशंगाबाद से प्रवीण गौर। देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच हैं, जिन्हें पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लेकर आई है। बोलिए अध्यक्ष जी, क्या आज पैसों के दम पर खड़ी हुई सरकार के दम पर जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं उस अहंकार में इतना डूब चुके हैं कि युवाओं के रोजगार के बारे में ना ही रोड बिजली सड़क कुछ भी नहीं उनको दिख रहा है। आज हम सिवनी मालवा युवा कांग्रेस के सभी साथी आज उनसे मिलना चाहते थे। कुछ सवाल थे हमारे युवाओं के कि आप क्या कर रहे हो बेरोजगारी के मामले में, सड़क के मामले में, और अभी जो मूंग की खरीदी में जो गड़बड़ियाँ चल रही इसमें आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या कार्रवाई की अभी तक। तो हमको आज पुलिस द्वारा घर से जबरन अरेस्ट कर लिया गया है और हमको नज़रबंद कर दिया है। विधानसभा सिवनी मालवा विधानसभा अध्यक्ष शिवराजपूत जी के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री जी से हम मुलाकात करना चाहते थे। मूंग खरीदी को लेकर सड़क की जो दुर्दशा है, युवाओं की जो बेरोजगारी की स्थिति है, सिवनी मालवा यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष जी आज मिलना चाहते थे। आज हमने प्रशासन से ये भी निवेदन किया था कि हमें कुछ दूर पर प्रशासन के साथ विधानसभा अध्यक्ष जी बात करना चाहते थे, लेकिन इस प्रशासन ने निकम्मी शिवराज हमसे डरता है और पुलिस को आगे करता है, इस तरह आज अध्यक्ष जी को हमें नहीं मिलने दिया गया और सभी पदाधिकारियों को हमको नज़रबंद कर दिया गया है। ये भाजपा सरकार, शिवराज सरकार बिकी हुई सरकार है। खरीदी कर इन्होंने विधायक को सरकार बनाई है और ये अहंकार में डूबी हुई है। इनका अहंकार निश्चित रूप से जल्द से जल्द डूबेगा।